पाकिस्तान के गुरद्वारा साहबाना दमारतों से किए जा रहे कब्जे उत्ते एस जी पी सी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल वालों अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने वालों इस बेहद निंदनयोग दसिया गया। भाई लौंगोवाल ने कहा कि 1947 की वंड समय कई इतिहासक गुरद्वारा साहिब पाकिस्तान के रह गए सी, जिन्हां ते अज कब्जे हो गए हैं। गुरद्वारा साहिब दीआं इमारतां दे विच डंगर बन्ने जा रहे हैं ते कईआं दे विच थाने बना दित्ते गए हैं। उन्हां कहा कि यह बिल्कुल गलत है अते इस नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई लौंगोवाल वालों भारत अते पाकिस्तान सरकार नूं इस दे विच दखल देण अते पाकिस्तान दे विच स्थित गुरद्वारा साहबाना दीआं इमारतां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दी अपील की गई है। जम्मू कश्मीर दे विच भाषा बिल विचों पंजाबी भाषा नूं बाहर किए जाण दे मामले ते भी भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल वालों अपनी प्रतिक्रिया दित्ती गई है। उन्हां वालों संसद मैंबरां नूं पंजाबी भाषा दे लई आवाज़ चुकण दी भी गल कही गई है। पाकिस्तान दे विच कुछ गुरद्वारिआं दीआं जिहड़ीआं इमारतां ने उत्थे उन्हां दे किते उहदे च पशु बन्ने जा रहे आ, किते थाणे बणाए जा रहे आ, किते कबरां बणाईआं जा रहीआं ने, इह खबरां आ रहीआं ने, की कहिणा चाहोगे तुसीं? 1947 की वंड तो पहला साढ़े सैकड़े गुरद्वारा साहिबान जोड़े से वो पाकिस्तान रह गए सन और जिन्हां दी बहुत ही इतिहासक पुरातन जिहड़ी है इमारतों की होंद उत्थे हैगी है, उन्हें खत्म करन दे लई अज जिस तरह का पाकिस्तान दे विच माहौल बनिया होया है कि साडे गुरद्वारा साहिब दीआं जिहड़ीआं इमारतां ने उहदे उत्ते कब्जे किए जा रहे ने। इस तरह बड़े दुख की गल है कि पिछले दिनों दे विच एक जिहड़ा गुरद्वारा सी पाकिस्तान दे विच जिथे बहुत सारा अखबारों में भी जिहड़ा आया है उत्थे पहला कवर भी बनाई गई सी, कुछ बंदियां वल्लों कब्जा भी जिहड़ा सी इह कीता गया। इह मैं समझदा बहुत ही मंदभागी गल है क्योंकि भावें साढ़े सिख जड़े ने पाकिस्तान दे विच बहुत घट गिनती विच रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जिहड़े साढ़े गुरद्वारे ने उन्हां दे उत्ते कब्जे करना, उन्हां दीआं बेरहमतियां करनिया, यह बहुत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सो मैं इहदे लई जिथे पाकिस्तान सरकार नूं बेनती करांगे कि जिहड़े लोकां ने साढ़े गुरद्वारे दे कब्जे कीते ने जां पुलिस थाने बनाए ने, कितें कबरां बनाईआं ने, वो सारा ही जिहड़ा उन्हां तों मुक्त कराया जाए और गुरद्वारे दी इमारतां जिहड़ियां ने साडियां बड़ियां इतिहासक इमारतां ने उन्हां नूं खाली कराया जाए तां कि सिखां दे मनां विच एक बहुत वड्डी ठेस पहुँच जाए जदों ऐसी खबर आउंदी है। सो यह मैं अपील करांगा कि तुरंत इहदे उत्ते कोई एक्शन होना चाहिए। इस तरह जिहड़ी भारत सरकार है उहनूं भी बेनती करांगा इत्थों दी सरकार नूं कि वह भी पाकिस्तान दे इस सरकार नाल गल करके जिहड़े साडे गुरद्वारे कब्जे कीते ने उन्हें तुरंत खाली कराने की कार्रवाई करे। प्रधान जी, कि जम्मू कश्मीर च भाषा बिल हाल च ही बनया होने हुणे उहदे च एरका पंजाबी नूं बाहर करता गया वा, ये की कहोगे? पहला पंजाबी उत्थे इहदे विच शामिल हुंदी सीगी। बिल्कुल, देखो जम्मू कश्मीर दे विच पहला संविधान दे विच भी जिहड़ी पंजाबी नूं बहुत वड्डी एक मानता उत्थे दित्ती गई सी क्योंकि वड्डी गिणती च पंजाबी जिहड़े ने जम्मू कश्मीर दे विच बसदे ने। लेकिन बड़े दुख की गल है कि हुणे हुणे जिहड़ा उत्थे चालू साल विच जिहड़ा जम्मू कश्मीर भाषा का बिल हुण बनाया गया उहदे विच पंजाबी भाषा नूं शामिल नहीं किया गया। यह साडी घंट गिणतियां नाल एक बहुत बड़ा धक्का है, साडी पंजाबी मां बोली नाल एक मैं समझदा बहुत बड़ा जिहड़ा धक्का किया जा रहा है क्योंकि पंजाबी लोग जिहड़े साडे उत्थे बस रहे ने उह पंजाबी नूं बड़ा प्यार करदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇ ਤਰਦੀਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।